And in more breaking news coming in from his roadshow dais in Kochi, Home Minister Amit Shah spoke exclusively to Times Network, hitting out Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan, and Shah called him the epitome of communalism. Shah also took on the Maharashtra government, claiming that it was now all a question of morality. भीड़ आई हुई है, वेन्यू आपका स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही इतनी भीड़ आ चुकी है। तो लेकिन पिनराई विजयन जी कहते हैं कि जो चुनाव का नतीजा होगा वो शायद बीजेपी के लिए निराशाजनक होगा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, विजयन जी ने सबसे पहले गोल्ड स्कैम और डॉलर स्कैम का जवाब देना चाहिए। केरल की जनता उसको उनके पास से गोल्ड स्कैम और डॉलर स्कैम की जवाब पूछ रही है। वो हमें सवाल पूछने की जगह पहले केरल की जनता को जवाब दे। गोल्ड स्मगलिंग की बात करें तो उन्होंने ईडी पे भी एफआईआर दर्ज करवा दी है, कोर्ट पे भी बात जा चुकी है। वो कह रहे हैं कि अब जो सरकार है वो ईडी को यूज कर रही है उनके खिलाफ। देखिए, कोरा पॉलिटिकल स्टंट है, पूरी दुनिया को मालूम है कि जो पकड़े गए वो उनकी ऑफिस से संबंध लोग थे, उनकी ऑफिस में बैठते थे। अगर ऐसा नहीं था तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इस्तीफा क्यों लिया गया? आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इस्तीफा लिया, इट मींस कि इसका इन्वॉल्वमेंट है। आप कैसे डिनाई कर सकते? आपने उन पे गंभीर आरोप लगाए। अगले दिन वो कहते हैं कि बीजेपी और आपकी पार्टी जो है वो एकदम एपिटोम ऑफ कम्युनलिज्म है और ऐसी पार्टी के लिए केरला में जगह नहीं। देखिए, उनको मालूम होना चाहिए कम्युनिस्ट पूरी दुनिया में समाप्त हो गए हैं और यहाँ पर उनका अंतिम सरकार है। और मुझे है कि इस बार कम्युनिस्टों को भी बड़ा नुकसान होने वाला है, केरल में भी। एक आखिरी सवाल आपसे थोड़ा हटके, चुनाव से हटके पूछना चाहते हैं, महाराष्ट्र में काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं सरकार पे। देखिए, मेरा इस बारे में और कोई कमेंट नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये नैतिकता का सवाल है। शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी ने नैतिकता के आधार पर कॉल लेना चाहिए। आखिरी सवाल सर, फडणवीस जी भी होम सेक्रेटरी से कल मिलके आए हैं, उन्होंने आईपीएस ट्रांसफर रैकेट की भी बात करी है, एविडेंस देके आए हैं, तो अब आपके हाथ में बात है, तो आप कैसे देखेंगे? गृह मंत्रालय इस पर स्टडी कर रहा है, स्टडी कर जो रिपोर्ट आएगी उसको देखेंगे।